मुजफ्फरपुर मुखिया प्रत्याशी का कानूनी शपथ पत्र वादे पूरे ना करूं तो जनता जब्त कर ले मेरी संपत्ति। वैशाली में दो ऑटो की टक्कर में महिला की मौत। राजा पाकर बेलकुंडा मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। ननिहाल जा रही 24 साल की महिला की मौत, परिवार के कई घायल। बिहार में अनलॉक 7 के लिए नई गाइडलाइन जारी। आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय। पूजा पंडाल जुलूस के लिए डीएम से लेनी होगी अनुमति। मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त। उत्पाद विभाग और पुलिस की गायघाट में संयुक्त कार्रवाई। ट्रक खलासी को मौके से किया गिरफ्तार। नालंदा में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग बिहार शरीफ जा रहे थे, ट्रक ने कुचला, मौके पर ही हो गई। बायोमेट्रिक ने कसी फर्जी वोटरों पर नकेल। पहले चरण के चुनाव में अब तक 122 बोगस वोटर पकड़े गए। 2119 मतदान केंद्रों में 220 से वेब कास्टिंग की जा रही है। पप्पू यादव को जमानत मिलेगी, पेशी से पहले कहा न्यायालय और जनता पर पूरा भरोसा। 4 महीने से अपहरण के मामले में जेल में बंद है। मुखिया प्रत्याशी का ट्रक से हो रहा था प्रचार, पटना पुलिस ने जब्त किया ट्रक। डीएम के आदेश पर FIR। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में ये 17वीं बड़ी कार्रवाई। पंचायत चुनाव में शराब पार्टी और खून खराबी की थी तैयारी। 707 कारतूस, 77 अवैध हथियार के साथ 1,00,000 लीटर से अधिक शराब बरामद। 25,000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई। पटना में ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। पटना सहित देश के 141 शहरों में होगी रसोई की हाइजीन ऑडिट। 85% से कम रैंक वालों की होगी मुश्किल। तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद का झारखंड अध्यक्ष नियुक्त किया। संजय टाइगर को बनाया झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में भी होगा विस्तार। 7 साल बाद भी नहीं निकला BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का परिणाम। धरना प्रदर्शन के बाद अब आमरण अनशन की हो रही है तैयारी। JDU के जिला प्रभारियों को मिला नया टास्क। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नवंबर तक पंचायत तक संगठन को मजबूत करने का दिया टास्क। सभी स्तर पर संगठन की कार्यकारिणी की बैठक होगी। मुठभेड़ में बूथ पर भिड़े दो पक्षों के बीच रोड़ीबाजी। तारापुर में समर्थकों के दो गुट भिड़े। उपद्रवियों ने पुलिस वाहन का शीशा भी फोड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेस ने कहा नल जल योजना अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। जल योजना ठेकेदारी मामले को 4 और सृजन घोटाले से बड़ा घोटाला कहा। CBI जांच की मांग की। ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट। पंजाब के ग्रामीण बिहार के शहरियों से ज्यादा अमीर। शहरी क्षेत्र में महाराष्ट्र अव्वल, ग्रामीण में हरियाणा। नल जल की धार में लड़खड़ाई मुखिया जी की नैया। राजधानी से 30 किलोमीटर दूर विक्रम प्रखंड की सभी 16 पंचायतों के चुनावी दिशा। शौचालय, PM आवास और घूसखोरी बड़ा मुद्दा। मेट्रो रेल डिपो के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। पटना के पहाड़ी और रानीपुर में 75.9451 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी। रोहतास जिले में 22 मौजों में चकबंदी समाप्त। सफाई देने का फरमान मिलने के बाद सामने आया DC तारकिशोर प्रसाद। बोले प्रक्रिया के तहत आकर कोई भी ले सकता है ठेका। DC बनने से पहले मिला था ठेका, काम भी पूरा हो गया था। औरंगाबाद में बूथ पर हवाई फायरिंग। मुखिया पद के दो प्रत्याशियों को पुलिस ने बूथ से भगाया। दो समर्थकों ने किया पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। 4 हिरासत। लालू ने पूछा BJP RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों। जाति जनगणना कराने पर केंद्र के इनकार के बाद RJD सुप्रीमो ने सामाजिक सामूहिक बहिष्कार का आह्वान किया। कहा जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार में सियासत तेज। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा PM मोदी सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम नहीं करते हैं। कैद का बिहार के 38 जिलों में हल्ला बोल। व्यापारियों ने कहा विदेशी कंपनियों की मनमानी से बंद हो रहा भारत में कारोबार। ई कॉमर्स कानून को लागू कराने की मांग। मोतिहारी में RTI कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ उठाते थे आवाज। पिछले साल भी घर पर हुई थी फायरिंग। मधुबनी में कैशमैन से 40 लाख रुपए की लूट। हथियार बंद अपराधियों ने गार्ड को गोली मारकर एक्सिस बैंक के सामने वारदात को दिया अंजाम। बाइक से ले भागे लोग। गायघाट BEO के असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर। BDO समेत कई अधिकारियों ने जताया शोक। गायघाट BEO के असामयिक पंचायत चुनाव में शराब बहने का सबूत। गया में मिला मुखिया और शिक्षक समेत 3 शराब पीते अरेस्ट हुए। रात भर थाने में रहे, फिर गए जेल छुड़ाने की कोशिश न आई काम। चैतन्य बाबू जरा बताइए मेरे उद्घाटन के बाद काम क्यों अधूरा रहता है। गृह विभाग के कार्यक्रम में ही अधिकारियों की CM ने लगा दी क्लास। मेडिकल सेक्टर में होगी बंपर बहाली। मंगल पांडे बोले 1050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति जल्द। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।